Please settle down, guys. Please settle down. We're starting the film. We're getting late for this. Come on, guys. Please, let's settle down. Let's settle down. वेट 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 सैंडी के पास करो ना। हाँ कर लेते हैं मैम, हम लोग तो दीवक वेट मैम वेट दीवक हाँ मैम क्या यार वी गेटिंग अ देव दीवक ओके मैम ओके मैम ओके हो चुकी है, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपके कुछ दोस्त यार सभी यहाँ पर फिल्म देखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आज फिल्म रिलीज हो चुकी है चौक इंडस्ट्री, बहुत ही आज के बहुत इम्पॉर्टेंट इशू में से एक है एजुकेशन में जो कमर्शलाइजेशन है, और रियल इंसिडेंट्स पर आधारित फिल्म है और वहाँ से कुछ इंसिडेंट्स लेकर बनाई गई है, और बहुत दिल से बनाई हुई फिल्म है, बहुत पैशन से बनाई हुई फिल्म है, और इस फिल्म की खूबसूरती ये है कि सिंपल फिल्म है, और मैंने कल देखी सब दोस्तों के साथ ये फिल्म, और जो रिस्पांस मिला, जो रिलेट किया सबने इस फिल्म से, आई थिंक हमारे सबसे खूबसूरत दिन हमारे बचपन के स्कूल के दिन होते हैं, और उनकी यादगार अगर हमारे टीचर्स जो हैं वो हमारी नींव बनाते हैं, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ ज़िंदगियों में अपने टीचर्स को भूल जाएँ, तो मुझे लगता है ये फिल्म उसकी याद दोबारा ताज़ा करती है, एंड आप चाहेंगे कि आप अपने टीचर्स को दोबारा ढूंढें, उन्हें याद करें और उन्हें शुक्रिया अदा करें। सो बहुत खुश हूँ कि एक हमारी बड़ी प्यारी सी टीम है, शबाना जी, जूही, मैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, बहुत मिलकर इस फिल्म को बहुत मेहनत करके हम लोग सबके सामने ला रहे हैं, और आई एम श्योर लोग पसंद करेंगे। आपके दोस्तों ने भी फिल्म देखी तो उन्होंने अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट आपको दिया हो ये फिल्म देखने के बाद? इस फिल्म का रिएक्शन मेरे लिए तो जितना लोग मुझसे नफरत करेंगे मुझे लगता है उतना अच्छा लगेगा, और जो रिएक्शंस आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं वी हेट यू, एंड कोई डेविल बुला रहा है, कोई सिंड्रेला की स्ट्रिप सिस्टर बुला रहा है, तो ये अलग तरह का रिस्पांस है मेरे लिए, लेकिन तहे दिल से शुक्रिया फॉर हेटिंग मी। क्रिटिक्स ने भी हमने देखा एक अच्छा उनका भी रिस्पांस, उनके ने भी 3.5 and 3+ स्टार दिए, तो जब आप इस तरह से चीज़ें देखती हैं, सुनती हैं, पढ़ती हैं, तो क्या फील करती हैं आप? मन से चुनती हूँ फिल्में, और मन लगता है ऐसी फिल्में करने में और रोल्स ऐसे करने में, और जब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों एक साथ प्यार देते हैं तो एक एक्टर के लिए बहुत खुशनसीबी की बात होती है, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ब्यूटीफुल कलेक्शन में आपको यहाँ दिखाई दे रही है, कोई खास वजह या डिज़ाइनर कुछ बताना चाहेंगे? ये नीता लूला का आउटफिट है, और शी इज़ ऑलवेज स्वीट एनफ टू मेक मी लुक नाइस व्हेन आई नीड टू।
2016 में क्या प्रोजेक्ट हम देखेंगे आपके? अभी इसके बाद कल सबका रिएक्शन था कि प्लीज़ थोड़ी अच्छी लगो, अभी तुमने बहुत नफरत करने को दिल कर रहा है तुमसे, तुम्हें मार देंगे। कल हेलन आंटी ने बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया, शी सेड आई वांट टू मर्डर यू। सो अगली फिल्म मेरी आएगी, नितिन कक्कर की फिल्म है राम सिंह चार्ली, जो कि बिल्कुल ही अलग मुख्तलिफ फिल्म है। उसके बाद श्याम बेनेगल की अगली फिल्म आएगी, उसके बाद ट्रैफिक आएगी मनोज बाजपेयी और प्रसन्नजीत के साथ। फिर एक इंटरनेशनल फिल्म साइन की है, वो भी शुरुआत हो जाएगी उसकी अप्रैल में, एंड तीन फिल्में और हैं। सो स्टार्ट ऑफ, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा आपके राइट लेंगे ना तो ये पूरा ओके मैम। फाइनली आज फिल्म रिलीज हो चुकी है चौक इंडस्ट्री, जिसका इंतजार काफ़ी लंबे टाइम से था, इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम से बातें चल रही थी कि क्या होगा, कैसी होगी फिल्म। फाइनली आज फिल्म क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं हम तीनों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये हमारे प्रोड्यूसर है मिस्टर अमित सोलानी। हेलो सर। हाय। ये हमारे राइटर है मिस्टर रंजीव। हेलो। उनकी मिसेस नीतू वर्मा जी, शी इज़ ऑल्सो को राइटर। बट मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से फिल्म आने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अप्रैल में हमने फिल्म शुरू की थी, और अभी जैसे बालक 9 महीने में बाहर आता है, वैसे ही हमारी फिल्म 9 महीने में बाहर आई है। रिजल्ट तो आपको पता ही है कि फिल्म का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों ने बहुत लाइक किए फिल्म को। कुछ कहना चाहेंगे कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर पहले कोई और थे, सडनली अब चेंज किया गया है, अब आज फिल्म रिलीज भी हुई, क्या कहना चाहिए? पिक्चर काफ़ी अच्छी है, टीचर्स के ऊपर है, आपने देखा होगा इस ये पिक्चर्स टीचर्स के ऊपर ट्रिब्यूट होनी चाहिए, देखना चाहिए सब लोग ने मिलकर, मेन बात यही है। और ऐसी स्टोरी और ऐसी स्टार कास्ट काफ़ी टाइम बाद आई है और आजकल के युग में आती नहीं है, सो प्लीज़ ज़रूर देखिए। सबके एक्टिंग को सराहा गया है, आपने को सबके क्रिटिक्स ने आपने देखा होगा कितना से सराहा है, सो प्लीज़ और ऐसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको जाके देखिए।